बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की उन्होंने पूजा करवाई। बोले उन्होंने गिरिराज पूजा क्यों करवाई? तब हमारे टीकाकार लोग कहते हैं उसका चार कारण है। आज मैं बोलूंगा, कल आपसे सुनूंगा, देखूंगा मेरे को कान बोल पाता है। इसलिए पहला कारण बताए, इन्होंने इंद्र पूजा को बंद करवाए। बोले इंद्र कौन है? बोले ये स्वर्ग के राजा है, सारे देवताओं के राजा। इनकी पूजा बंद करा के श्री गिरिराज गोवर्धन की पूजा करवाए। बोले गिरिराज है कौन? बोले ये स्वयं कृष्ण है, कृष्ण ही दूसरे रूप में ये गिरिराज बने। यहाँ शिक्षा देते हैं, जा पर कृपा हरि की होई, ता पर कृपा करे सब। जगत में 33 करोड़ देवता, बताओ कितने को आप खुश करोगे? एक को पूजा कर खुश करो, दूसरे नाराज हो जाएगा। दूसरे को पूजा करो, तीसरा नाराज हो जाएगा। तीसरा को बनाओ, 14 नाराज हो जाएगा। अगर दिन में अगर 1 करोड़ देवताओं को पूजा करता है ना, 30 दिन में 30 करोड़, फिर 3 करोड़ बाकी रह गया। लेकिन ये बांके बिहारी ऐसे के ठाकुर है, जैसे मोदी, किसको जल मंत्री, किसको अग्नि मंत्री, किसको ट्रेन का मंत्री, किसको वित्त मंत्री, अलग 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 उन्होंने मंत्री बनाया सबको। लेकिन ये बनाया किसी ने? बोले मोदी ने। अगर कोई मोदी की शरण में आ जाए, अगर इनको पता चले भैया ये अमित शाह है, ये मोदी का डाहन हाथ वाला, देखना फिर तो तुम्हारी पंगा कोई नहीं लेगा, कोई तुम्हारी पीछे नहीं पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, कभी शनि पीछे पड़ जाएगा, कभी नवग्रह पीछे पड़ जाएगा, फिर कोई दूसरे पीछे पड़ जाएगा। लेकिन इनको जो पता चलेगा भैया ये बांके बिहारी जी की शरण में गए हैं, फिर तुम्हारी कोई पीछे नहीं पड़ेगा, सब तुम्हारी अनुकूल हो जाएंगे। अगर इनको छोड़ करके अगर हम 33 करोड़ देवता को खुश कर दो, अंतिम समय में कोई भी रक्षा करने वाले नहीं मिलेगा। इसलिए आप हनुमान जी का नाम सुनते होंगे। जब ये लंका में पहुंचा, देखा हनुमान जी की पिता उसको घर में झाड़ू लगा रहा था, पवन दे अग्नि, जिस अग्नि की पूजा करते थे, कपड़ा धुलाई कर रहा था, पितामह ब्रह्मा जी स्तुति कर रहे थे, नवग्रहों को तो बांध करके रखा, काल को देखा पैर के नीचे दबा करके बैठा हुआ, सारा दुनिया को उसने अपना मुट्ठी में रख दिया था, लेकिन एक प्रभु राम को मुट्ठी में नहीं कर पाए, संतोष नहीं कर पाए, लास्ट में कोई भी बचाने वाले नहीं रहे। लेकिन एक विभीषण जो प्रभु की शरण में गए थे, केवल वही बच गया। शिक्षा देते हैं, अगर हमने 33 करोड़ देवता को खुश कर पाए, लेकिन एक बांके बिहारी खुश नहीं हो पाए ना, कोई भी अंतिम समय में तुम्हारी रक्षा कर नहीं करेगा। देखना हमारा भारत में, भले ही जिंदगी में तू जिसको पूजा करना करो, लेकिन जब शरीर छुटती है क्या बोलते बोलते ले जाएंगे? यही बोलेंगे, बोले राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, और सत्य बोलो गत्य है, सब कोई बात झूठा है, और जितने को पूजा की ना सब झूठे में जीवन बिताया। लेकिन जो प्रभु राम और कृष्ण को भक्ति की, केवल वही सच्चा, अभी तुम्हारे साथ में वही जा रहे। इसलिए उन्होंने पहला शिक्षा दी, भैया अगर पूजा करना है ना, बांके बिहारी की पूजा करो, सबको सम्मान करो, किसी को असम्मान कभी नहीं, सभी को सम्मान करो। हैं, जैसे कि पतिव्रता नारी अपना हृदय में पति को ही बैठा कर रखती है, लेकिन सबको सम्मान देती है, जेठ देवर ननन सबको सम्मान देती है, लेकिन अपना हृदय में किसको बैठाती है? मेरे तो गिरिधर गोपाला, बोलो उसको बाद में क्या है? इसलिए भक्ति, इसलिए पहला सिख्या दिए, भैया कन्हैया की शरण में जाओ, बांके भी है, पहला सिख्या है। दूसरा सिख्या किया है, इंद्र का अभिमान हो गया था। क्या अभिमान हो गया था? अगर मैं बारिश नहीं बरसाऊंगा ना, ये ब्रजवासी सब मर जाएंगे, मैं बारिश बरसाता हूँ। अभी घास उगती है, गैया घास खाकर दूध देते हैं, और दूध ही इनकी प्राण है, अगर मैं बारिश नहीं करूंगा तो सब मर जाएंगे। कृष्ण ने बोले तेरे को पता है ये ब्रजवासी कौन है? पहले जो जो थे, लेकिन अभी ब्रजवासी कौन है? जो नंद बाबा अगर कृष्ण को कहते लाला मेरे थोड़ा खड़ाऊ ले आ, कृष्ण ठुमक 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 करके चलते हैं, हाथों में नहीं खड़ाऊ का सर पर रख करके प्रभु नाचते नाचते आते हैं। नंद बाबा सोचते मेरे लाला कितने अच्छे है,
मैंने कहा खड़ाओ ले आओ, हाथों में नहीं सर पर लेकर के आ रहा है लाला। कभी नंद बाबा कृष्ण बलराम को गोद में बैठा करके कढ़ी चावल, कभी है कभी प्रसाद पाते हैं, एक और कन्या को, एक और दाऊ भैया को, एक और खुद खाते हैं, और उसी हाथ में किसको खिला रहे हैं, बाके भी आए। कृष्ण जिनकी झूठन खाते हैं, मैया जसोदा कन्या को उखल में बांध देती है, विश्व ब्रह्मांड को जो माया में बांध करके रखे, लेकिन उनको कौन बांधने वाली है, कहते मैया जसोदा बांधने वाली है। अगर गोपियां हैं, अगर राधा रानी मान कर ले, पता नहीं फिर श्याम सुंदर क्या क्या करना पड़ जाता है। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं ये ब्रज का एक धूल में इतने शक्ति है, कहते कितने इंद्र चंद्र कितने स्वर्ग को प्रकट कर सकते हैं, ब्रजवासी को महिमा तुम्हें पता नहीं ये ब्रजवासी कौन है। इसलिए इंद्र के मन में अभिमान आ गया था, प्रभु उसके अभिमान को दूर करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गिरिराज की पूजा की और इंद्र की अभिमान दूर किया। बोले दूसरा कारण, बोले तीसरा कारण क्या है, कृष्ण की मन में इच्छा थी ये ब्रजवासियों को साथ में मैं 7-8 दिन एक जगह में रह करके, क्योंकि राधा रानी कृष्ण की अभिन्न स्वरूप, कहते ये गोपियां है कौन, राधा जी की एक एक भाव ही एक एक ब्रज गोपी धारण रूप धारण की। बोले ये सखाएं कौन है, बोले कृष्ण की काय प्रकाश है। कहते ब्रजवासी कोई साधारण नहीं, मैं चाहता हूँ इनको साथ में 7 दिन तक इनको साथ में समय को बिताऊं और राधा रानी को सामने दर्शन करूं, ये गोपियों को सामने दर्शन करूं। बोले ये होगा कैसे, बोले जब मैं गिरिराज गोवर्धन धारण करूंगा, अभी ब्रजवासियों को तो फिर नीचे आना ही पड़ेगा, जो आएंगे फिर इनको साथ में मैं 7 दिन तक दर्शन और उत्सव करूंगा। कहते ये तीसरा कारण है। बोले चौथा कारण क्या है, ये सबसे चौथा जो कारण है ये सबसे श्रेष्ठ कारण है। क्या श्रेष्ठ कारण है, अभी प्रभु रास करना चाहते हैं, लेकिन अकेले तो रास कर ही नहीं सकते, जब तक राधा रानी नहीं हो, जब तक ब्रज गोपियां हो, प्रभु तो रास ही नहीं कर सकते। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया कहते ब्रज में हीरो कौन है, बोले एक बांके बिहारी, बोले हीरोइन कौन है, बोले गोपियां और राधा रानी। उदाहरण दिया, जैसे एक हीरो किसी हीरोइन को अपना प्रति आकर्षण करने के लिए उसको सामने बहादुर दिखाता है, लोगों को इकट्ठे कर देगा, इकट्ठे कर खूब मारपीट करेगा, मारपीट करके सबको भगा देगा। हीरोइन बोले कि बाबा रे ये तो बड़ा पहलवान है, हैं? फिर देखना वो हीरोइन अपने आप उसको प्रति आकृष्ट हो जाते हैं। इसलिए ब्रज का हीरो कृष्ण और हीरोइन ब्रज गोपियां राधा रानी। अभी कृष्ण सोच रहे हैं, भैया इनको मैं आकर्षण कैसे करूं, क्योंकि इनके बगैर तो रास असंभव है। इसलिए कृष्ण ने दो लीला की है, बल्कि दो लीला उन्होंने क्या की, एक तो उन्होंने कालियों को सर पर नृत्य की। बोले देखो बड़े बड़े नृत्यकार देखे होंगे, जो रस्सी के ऊपर कोई नाचता है, कोई तलवार के ऊपर नाचता है, कोई गिलासिया के ऊपर नाचता है, कोई सर के ऊपर मटकी रख करके नृत्य करते हैं। लेकिन तुम लोगों को कभी देखे हो सर्पों के सर के ऊपर कोई नाचते हुए, कभी देखे हो? इसलिए कृष्ण ने क्या की, कालिया की 100 फण था, कृष्ण उसी फण के ऊपर में वो एक साथ में कृष्ण को काटना चाह रहा था, लेकिन कृष्ण ने एक फण से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे, कृष्ण जब नृत्य कर रहे थे इतने तेजी से नृत्य कर रहे थे, आकाश में सारे देवता लोग आ गए, वाद्य बजा रहे हैं और भगवान नृत्य कर रहे हैं। श्री सूरदास जी एक बड़ा सुंदर भजन गाते हैं, बोले तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, 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 पम 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 पद पद गत पम 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 प्रभु पद पद पम 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 वनन कर, बिंग 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 बिनत करत, बिंग 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 बिनत करत नाग बहुआली, तांड भगति मुंडन पर नाचत गिरिधारी, तांड भगति मुंडन पर नाचत गिरिधारी।
मलटि मुंडन पर नाचत गिरिराज गन 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 नृत्य कर रहे थे, शंकर जी कह रहे प्रभु बम बम बलिहारी, प्रभु आपकी बलिहारी हो, आपकी जय जयकार हो, बोले श्री बांके बिहारी लाल की। शंकर जी बोले प्रभु पहले मैं सोच रहा था मैं नटराज हूँ। शंकर जी नटराज है, सबसे बढ़िया नाचने वाले। प्रभु मैं बड़े बड़े कलाकारों का देखा, नृत्यकारों का देखा, लेकिन सर्पों को सर के ऊपर नाचने वाले कोई नहीं दिखे। इसलिए शंकर जी बोले प्रभु आप कौन हो? नटवर। नटवर मतलब क्या? नट मतलब होता है शंकर और वर मतलब होता है पति, जो शंकर का भी पति है। आप बोलोगे भैया बांके बिहारी शंकर जी के पति कैसे हुए? बोले जब प्रभु ने रास रचाए, शंकर जी गोपीश्वर बन करके ठाकुर जी रास दर्शन करने के लिए शंकर जी गोपीश्वर बन करके आते हैं। बोले गोपियों का पति कौन है? बताओ गोपियों का पति कौन है? बाकी बिहारी ना। इसलिए कहते कृष्ण कौन है? नटवर। शंकर का भी जो पति है कहते श्री बांके बिहारी। इसलिए शंकर जी बोले प्रभु आपकी जय जयकार हो, आपकी जय जयकार हो। इसलिए यहाँ पर कहते कृष्ण जब कालियों का सर के ऊपर नृत्य की ना, गोपियां तो देख देख करके बाबा रे बड़े कलाकार है, हैं? हमने बड़े बड़े नृत्यकारों को देखा लेकिन सांप के सर के ऊपर को किसको नृत्य करते होते नहीं देखा। इसलिए गोपियों का जो मन प्राण चित्त है ना पूरा कृष्ण में समर्पित हो गया। पहला लीला की बोले दूसरा लीला की गिरिराज उठाया। आप लोग गिरिराज गए हो? कौन कौन गिरिराज गए हो? गए हो परिक्रमा लगाए हो? कितना घंटा लगता है? कितना घंटा लगता है? पाँच छः सात घंटा लगती है, लगता है रिक्शा में होने लगती। इसलिए दोनों परिक्रमा के लिए आपको आपको पाँच छः सात घंटा लग जाती है केवल उसको परिक्रमा करने के लिए, हैं? लेकिन कृष्ण ने इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को उनने कौन हाथ में उठाया? बाम हाथ में उठाया। हम कहते हैं ना अरे ये काम मेरे लिए थोड़ी कोई बड़ी बात है, उसका हम तो उल्टा हाथ में कर सकते हैं। बोले उल्टा हाथ नहीं सबसे छोटी अंगुल में, बोले सबसे छोटी अंगुल में नहीं उन्हें नख को ऊपर भी गिरिराज गोवर्धन उठाते। इतने बड़े गिरिराज गोवर्धन को देखो, कभी कभी ना हम लोग जिसको तिसको पीछे भगवान भगवान बोलकर भागना शुरू कर देते। देखो सावधान से भैया, जिसको तिसको पीछे भगवान बोलकर मत भागा करो। भगवान तो हमारे बांके बिहारी है, भगवान राम हमारी भगवान है, हैं? जिन्होंने इतने बड़े काम किया। इसलिए कृष्ण दवानल को पान करते हैं, कालियों को सर के ऊपर नृत्य करते हैं। जिस पानी उबलता था लेकिन कृष्ण उस पानी में विहार कर रहे थे। इसलिए भैया भगवान साधारण नहीं हो सकते हैं, भगवान तो केवल हमारे बांके बिहारी भगवान। अगर जिसको हम भगवान कहते हैं 100 किलो भोजन का एक पत्थर लाओ, कृष्ण तो गिरिराज बैठा लिया, एक 100 किलो पत्थर लाओ और उसको सर पर रख दो, थोड़ी सी मुंह में जहर डाल दो पता चल जाएगा कितना बड़ा भगवान, थोड़ी सी मुंह में आग लगा दो। भगवान तीन तीन बार ब्रज में आग लगी ठाकुर जी, आग को पान किया ठाकुर जी। इसलिए भगवान सभी नहीं हो सकते हैं, भगवान तो हमारे ठाकुर श्री बांके बिहारी भगवान है। इसलिए उनकी चरण की हमें भक्ति और उपासना उनकी चरण की करनी चाहिए। बोले श्री बांके बिहारी लाल की। इसलिए कहते ये चौथा कारण है, ये कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन को उठाए उसको नीचे गोपियां सबके सब थी राधा रानी। बोले बाबा रे बड़ा पहलवान, सात सात दिन तक कनिष्ठ आपको बोला 5 मिनट हाथ को खड़े करे,
पांच मिनट भी हाथ हम ऊंचा नहीं कर सकते हैं, दस मिनट ही खड़े करो, करना बड़ा कठिन है। लेकिन सात दिन तक गिरिराज गोवर्धन को उठाना कोई साधारण बात थी। इसलिए कृष्ण जब गिरिराज गोवर्धन उठाए थे, जितने कृष्ण के सखा लोग थे ना, सबके सब डंडा लेकर टिका लिया। बोले कन्या तो कब तक गिरिराज को धारण करोगे, हैं थोड़ी सी हाथ को नीचे कर लो, हम भी थोड़ी गिरिराज को धारण कर लेते हैं। कृष्ण ने कहा नहीं, तुमसे गिरिराज टिकेगी नहीं। बोले क्यों, क्या मैया का दूध तू अकेला पिया, हमने मैया का दूध नहीं पी, इसलिए हाथ कर, हम भी गिरिराज उठाना जानते हैं, इसलिए हाथ कर। जब कृष्ण नीचे हाथ की, गिरिराज गोवर्धन तो नीचे आने लग गया और उनका जो डंडा था ना सब टूटना शुरू किया है। बोले कन्या हमसे गिरिराज नहीं उठेगा, तू ही ये गिरिराज को तू ही धारण कर लो। अभी कृष्ण गिरिराज को ने धारण की। सात दिन तक इंद्र ने अपना जी जान लगा दी, शिला वृष्टि हाथी के सूर के जैसे मूसलाधारा से बारिश हो रही थी, पूरा सारे ताकत लगा दी। उसको बाद में एक दूत को भेजा, भैया देख करके आओ ब्रजवासियों को क्या कर रहे हैं, ब्रज ब्रज में क्या हो रहा है। एक दूत आया, आकर के देखा, ऊपर ऊपर से देख करके बोले कन्हैया वहां एक चिट्ठी तक भी नहीं, सब खत्म। उन्होंने और एक को भेजा, भैया तू देख कर गया, वो तो ऊपर ऊपर से देख कर गया था। उसने नीचे आया, देखा ब्रज में तो एक चिट्ठी भी नहीं मरे, वहां पर तो धूल उड़ रहा था। कृष्ण कनिष्ठ अंगुल के ऊपर में गिरिराज गोवर्धन को धारण करके रखे थे, वहां ब्रज में होली मच रही थी, वो आनंद आनंद क्यों, कृष्ण के मुख चंद्र को दर्शन करते हुए ब्रजवासी आनंद में मस्त थे। हैं बोले आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया, होरी रे रसिया भर जोरी रे रसिया, आज भी रज में होरी रे रसिया, आज भी रज राजा के हाथ का